खबर है यूपी के बदायूं से। फर्जी पुलिस वाला बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाला व रौब गांठने वाले को पुलिस ने पकड़ा। आपको बता दें, दरअसल 2 फरवरी को थाना सिविल लाइंस प्रभारी निरीक्षक गौरव बिश्रोई ने हरीश गिरी पुत्र राजेश गिरी निवासी ग्राम रामनगर थाना सिंहवली अहिर जिला बागपत को फर्जी पुलिस वाले को गिरफ्तार किया है, जो जनता के लोगों से धोखाधड़ी कर उच्च अधिकारीगढ़ के नाम लेकर फर्जी पुलिस वाला बनकर लोगों से अवैध वसूली करने का कार्य करता था, जिससे कि पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी। 2 फरवरी को समय लगभग सुबह 9:15 पर प्रिंस ढाबे से 50 मीटर की दूरी पर बरेली रोड पर जनता से पुलिस वाला बनकर जनता के साथ धोखाधड़ी करने की फिराक में था, जिससे थाना सिविल लाइंस पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किया गया। इस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अब देखिए संवाददाता नाजिर खान की ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, देखिए एक हरीश गिरी नाम का व्यक्ति जो आरक्षी की फर्जी आईडी बनाकर वर्दी पहनकर लोगों से ठगी और धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा गया। जैसा ज्ञात हुआ कि ये रहने वाला बागपत का है और पिछले काफ़ी समय से इस तरह के जो है कार्यों में लिप्त है और इसका कई पुलिस कर्मचारियों के साथ फोटोग्राफ्स भी है और जिसको दिखाकर लोगों पर रौब गांठता था। रंगे हाथ कल इसको जो है पकड़ा गया और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके रिमांड लिया जा रहा है। क्या नाम है? इसका नाम हरीश गिरी है। रहने वाला? ये रहने वाले बागपत के हैं, रामनगर गांव का नाम है, थाना सिंघावली। नहीं, ये जैसा लोग बता रहे हैं कि 1.5 महीने से लोग देख रहे थे इसको, पकड़ा तो ये कल रात में गया है।